सीएए के बाद एनआरसी समेत केंद्र सरकार के सारे कानून देश में लागू होंगे। भारत सदियों से हिंदू राष्ट्र है, बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। यूपी के बलिया में सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से रविंद्र कुशवाहा को तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इस दौरान मीडिया से बातचीत में रविंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अकेले चुनाव लड़ने और यूपी में इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि भाजपा किसी गठबंधन से डरने वाली नहीं है। इस बार भी विरोधियों पर मोदी की गारंटी भारी पड़ेगी और हम लोग 400 के पार सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं भारत सरकार के द्वारा सीएए कानून का विरोध करने वाले प्रदेश सरकारों को करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा बने कानून को राज्य सरकार नहीं माने ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये अधिकार राज्य सरकारों को है ही। वहीं विरोधियों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सीएए के बाद एनआरसी समेत केंद्र सरकार के सारे कानून देश में लागू होंगे और कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है, भारत सदियों से हिंदू राष्ट्र ही है। आइए बीजेपी सांसद और तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार घोषित रविंद्र कुशवाहा से उनकी जबानी में सुनते हैं। देखिए, हम लोग तो सपा बसपा गठबंधन का भी सामना कर चुके और पिछले चुनाव में बहुत बड़ा ये गठबंधन माना जा रहा था राजनीतिक पंडितों की नजर में, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने रिएक्ट किया और मोदी जी के ऊपर विश्वास किया और गठबंधन के बाद भी हम लोग 64 सीट जीत करके आए, और जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो ये तो 2017 में भी यूपी के दो लड़के मिल करके आए थे। हसरा आपने देखा, 325 सीट की प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। रिपोर्टर उपेंद्र गुप्ता की बलिया यूपी से रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे जी टेन न्यूज। धन्यवाद।